हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ द वीक इज इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्वेल्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने जा रही है द आंसर इज ए स्विट्जरलैंड आप लोग को पता होगा स्विट्जरलैंड जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर्स भी हैं स्टूडेंट्स माय क्वेश्चन टू यू इज़ प्लीज टेल मी द नेम ऑफ हेड ऑफ़ डब्ल्यूटीओ गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डब्ल्यू की हाइस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये हर दो साल में एक बार होती है इस कॉन्फ्रेंस में डब्ल्यू टी कंट्रीज के मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे और उनके डिस्कशन टॉपिक्स रहेंगे ट्रिप्स वेवर फॉर कोविड नाइन्टीन वैक्सीन मतलब कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन को ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मुक्त करना पैंडमिक रिस्पॉन्स फिशरी सब्सिडीज एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी डब्ल्यू टी ओज रिफॉर्म एंड फ्यूचर वर्क प्रायोरिटीज टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू टी ओ की पेरेंट बॉडी थी गैक्ट जिस जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड नाइनटीन नाइनटी फोर में एक मार्केश एग्रीमेंट हुआ उसके थ्रू डब्ल्यू टी ओ केम इन टू बी ऑन फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नाइन्टी फाइव डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यू टी ओ की वन हंड्रेड स्टेट्स है जो कि रिप्रेजेंट करती है पूरे वर्ल्ड के 98 परसेंट ट्रेड और जीडीपी को डब्ल्यू टी ओ का काम है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में गुड्स सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ट्रेड को फैसिलिटेट करना एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना फॉर नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट टैरिफ्स कोटाज एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोडक्ट टैक्स को टैरिफ कहा जाता है ये प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ करता है और उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डिस्करेज करता है कोटाज यानी कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट करना ताकि एक पर्टिकुलर अमाउंट ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सके और दूसरे रेस्ट्रिक्शंस लाइक बैंस एट्सट्रा इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए या एन्वायरमेंट बचाने के लिए बहुत बार इन टूल्स का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसे आर बैंक के एम और सी के रूप में अपॉइंट किया गया है द आंसर इज बी आर सुब्रमण्य कुमार मिस्टर कुमार रिप्लेस करेंगे आर बैंक के करंट एम डी एंड सी विश्ववीर को मिस्टर कुमार इससे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आर बैंक जिसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी नाइनटीन में ये छह प्रकार की सर्विसेज ऑफर करता है कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग ब्रांच एंड बिजनेस बैंकिंग रिटेल एसेट्स डेवलपमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रेजरी एंड फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लानट के फास्टेस्ट एनिमल्स चीता को लेने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनमें से किस कंट्री के साथ डील फाइनलाइज की है द आंसर इज डी उथ अफ्रीका एंड नामीबिया बोथ चीता इंडिया में एक्सटिंट होने की कगार पे है इसलिए उन्हें इम्पोर्ट किया जा रहा है इन दो देशों से और उन्हें पहुंचाया जाएगा मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बैट द एंड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कूनो मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है इसे में स्थापित किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द श्योपुर एंड मोरना डिस्ट्रिक्ट इसे कूनो पालपुर और पालपुर कूनो के नाम से भी जाना जाता है चीता फास्टेस्ट लैंड एनिमल है जिसकी स्पीड कुछ एट्टी टू वन टी एट किलोमीटर पर आर होती है

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी दरोहर धरोहर को इनाग्रेट किया है द आंसर एज डी गोवा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आइकॉनिक वीक चलेगा फ्रॉम सिक्स जून टू तो ट्वेल्थ जून और आप लोग को पता होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसी के तहत इस म्यूजियम का इनाग्रेशन किया गया है इस म्यूजियम की जो बिल्डिंग है वो 400 साल पुरानी बिल्डिंग है ये टू स्टोरी ब्लू बिल्डिंग है जिसे पोर्टुगीज के रूल के समय एल्फेंट डिगा के नाम से जाना जाता था इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मंडोवी रिवर इन पंजी धरो म्यूजियम में विजिटर्स विल सी कि इंडियन कस्टम्स ने किस किस प्रकार के आर्टिफेक्ट्स को सीज किया है और उन्हें बेसिक कस्टम प्रोसीजर भी जानने का मौका मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल एल्बनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर इज बी थर्टींथ जून एल्बिनिज्म एक प्रकार का इनहेरिटेड स्किन डिसऑर्डर है हमारी स्किन में मेलानिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि हमारा नेचुरल स्किन पिगमेंट है जो लोग एल्बिनिज्म से पीड़ित है उनकी स्किन में इसका प्रोडक्शन या तो बहुत कम होता है या नहीं होता है इसकी वजह से इनकी स्किन पूरी वाइट पड़ जाती है और वो सन के बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं आगे चलकर इन लोगों को कैंसर का भी खतरा रहता है यूनाइट नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ने इस डे को ऑब्जर्व करना तय किया है ताकि एल्बनिजम से पीड़ित लोगों के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उन पर जो अटैक्स होते हैं उनको रोका जा सके और उन्हें भी इक्वल राइट्स मिले दे कैन एन्जॉय देयर ह्यूमन राइट्स इसलिए इस साल की थीम है यूनाइटेड इन मेकिंग आर वॉइस हर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता है द आंसर इज डी आर प्रगनंदा ये टूर्नामेंट हो रहा था इंडिया के 16 ईयर ओल्ड यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा और इंडिया के ही इंटरनेशनल मास्टर वी प्रनीत के बीच में प्रगनंदा इज फ्रॉम चेन्नई और उन्हें सिर्फ 10 साल की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब मिल गया था ही वॉज द यंगेस्ट एट दैट टाइम टू डू सो वो ग्रैंड मास्टर बने एट द एज ऑफ ट्वेल्व द सेकेंड यंगेस्ट एट द टाइम टू डू सो और 22 फरवरी 2022 में एट द एज ऑफ 16 ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू डिफीट करंट वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्सन और उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया इन ए रैपिड गेम एट द एयरथिंग्स मास्टर्स रैपिड चेस टूर्नामेंट नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा इनमें से किसे ऑनरे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है द आंसर इज बी रतन टाटा ये सम्मान दिया गया था एच एस एन सी यूनिवर्सिटी मुंबई में एच एस एन सी एक कॉलेजिएट पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है ये एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी है जो कि मुंबई के आसपास के सभी कॉलेज को क्लस्टर करके बनाई गई है ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी दैट इज़ एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और एच एस एन सी बोर्ड का इस यूनिवर्सिटी के चांसलर है महाराष्ट्र के गवर्नर मिस्टर कोश्यारी एच एस एन सी की यह पहली कॉन्वकेशन सेरेमनी थी और डॉक्टरेट की उपाधि मिली है मिस्टर रतन नवल टाटा को हु इज़ एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट

प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत स्टैब्लिश किया गया था इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोसफेयर रिजर्व सिंस 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस तारीख को ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर इज ए फिफ्टीन जून स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा बिकॉज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सिक्स जून को होता है इसलिए एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी डेज हैं लाइक विंड सॉइल ओशन एसेट्रा ये सब भी जून मंथ में ही आते हैं ये दिन है टू डिस्कवर विंड उसकी पावर उसकी पॉसिबिलिटीज़ टू रीशेप द एनर्जी सिस्टम एंड ऑल्सो टू इंक्रीज पब्लिक नॉलेज ऑफ विंड एनर्जी और उसकी यूजेज़ आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कुछ हिल्स पे गुजरात में या राजस्थान के डेजर्ट एरिया लाइक जैसलमेर में बहुत जगह बड़े बड़े फैंस होते हैं जिन्हें विंड मिल्स कहा जाता है इनका काम होता है जो ब्लोइंग विंड है उसको हार्नेस करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना ये एक प्रकार का रीन्यूबल एनर्जी सोर्स है एकदम क्लीन और ग्रीन एनर्जी सोर्स है इस डे को ऑर्गेनाइज़ करते हैं विंड यूरोप

ए फिफ्टीन जून इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ लाया जा सके कि एल्डर्स किस प्रकार का अब्यूज़ फेस करते हैं उसका उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसे किस प्रकार रोका जा सकता है इसलिए इस साल की थीम भी है कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज़ इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज़ आई की रिक्वेस्ट पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2011 में इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था दैट दे विल रिकॉग्नाइज दिस डे नेक्स्ट क्वेश्चन भारत गौरव स्कीम के तहत इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन इनमें से किन दो सिटीज़ के बीच ऑपरेट करेगी द आंसर एज सी कोयम्बटूर एंड शिरडी कोयम्बटूर इज़ अ सिटी इन तमिलनाडु और शिरडी साई बाबा का धाम है इन महाराष्ट्र नवंबर 2021 में रेलवे मिनिस्ट्री ने भारत गौरव पॉलिसी को लॉन्च किया जिसके तहत कोई भी ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर या वर्चुअली इंडियन रेलवे से ट्रेन को लीज पे ले सकते हैं और उसे एक थीम बेज सर्किट पर रन कर सकते हैं एज अ स्पेशल टूरिज्म पैकेज ये ट्रेन इंडिया के सेवरल हिस्टोरिकल डेस्टिनेशंस को कवर करेंगी और पैसेंजर्स को इंडिया की कल्चरल हेरिटेज दिखाएंगी इस पब्लिक प्राइवेट अरेंजमेंट का मिनिमम टेन्योर है दो साल का और मैक्सिमम है द लाइफ ऑफ द कोच बिकॉज दिस ट्रेन विल रन इन सर्दर्न एरिया तो सर्दर्न रेलवे पहला जोन बना है ऑफ द इंडियन रेलवेज टू गेट द रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर अंडर द भारत गौरव स्कीम नॉट लेट्स नो सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रेलवेज तेजस एक्सप्रेस इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन है जिसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में बिटवीन लखनऊ डेली रूट हालांकि अभी बंद हो गई है इट वॉज ओन बाय आई आर सी टी सी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवेज लॉर्ड डल हाउस को फादर ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से जाना जाता है सिक्सटीन अप्रैल एटीन में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी बिटवीन बॉम्बे एंड थाने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है गोरखपुर इंडियन रेलवेज़ का मैस्कॉट है भोलू द गार्ड एलिफेंट हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जिसकी सबसे ज़्यादा हॉल्ट हैं इंडिया की स्लोएस्ट ट्रेन है मेटू पलयम जो कि ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है और सिर्फ दस किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है वहीं इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस और ट्रेन 18 जो कि 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती हैं इंडियन रेलवेज़ वर्ल्ड का एट लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया के पहले रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मथाई और प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस स्टेट ने एस बी आई बी ओ बी पी एन बी सिड बी इन सब के साथ एम ओ यू साइन किए हैं टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ द स्टेट द आंसर इज बी उत्तर प्रदेश आई एम श्योर इन सभी बैंक्स के फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम होंगे बट फिर भी मैं बता देती हूँ एस बी आई इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बी ओ बी इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा पी एन बी इज़ पंजाब नेशनल बैंक एंड सिडबी स्टैंड फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये एम साइन किए हैं यू एक अथॉरिटी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने 2007 में सेटअप किया था टू डेवलप एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश इसके हेड हैं पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ में टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपी एक एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है जिसकी इंटेंशन है इंडिया की फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करना फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर और ये सभी बैंक्स इस प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल हेल्प देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैक्सिको में हो रही इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में इनमें से किसने गोल्ड मेडल जीता है द आंसर इज डी सनापति गुरु नायडू सनापति एक इंडियन वेट लिफ्टर है और इस इवेंट में 55 किलोग्राम कैटेगरी में उन्हें गोल्ड मेडल मिला है इसी इवेंट में विजय प्रजापति और आकांक्षा किशोर को सिल्वर मेडल भी मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस राज्य ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट एन रिपोर्ट ट्वेंटी को टॉप किया है द आंसर इज बी केरला ई गवर्नेंस इज़ पार्ट ऑफ यूपीएससी करिकुलम तो ये रिपोर्ट आप लोग को मालूम होनी चाहिए एन ई एस डी एक बाइनियल स्टडी है जो कि दो साल में एक बार होती है ये असेस करती है स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ को कि ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में उनकी क्या इफेक्टिवनेस है डी ए आर पी जी दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक रिवेंसेज ने एन ई एस डी को कॉन्स्टिट्यूट किया था टू थाउजेंड नाइनटीन में इस रिपोर्ट का एम है टू तो बूस्ट ई गवर्नमेंट एंडवर्स एंड ड्राइव डिजिटल गवर्नमेंट एक्सीलेंस ये रिपोर्ट गवर्नमेंट्स को हेल्प करती है कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की डिलीवरी को वो इम्प्रूव करें और आपस में बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करें ये असेसमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेवन सेक्टर्स लाइक फाइनेंस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन लोकल गवर्नेंस यूटिलिटी सर्विसेज सोशल वेलफेयर एनवायरमेंट एंड टूरिज्म सेक्टर्स तो उस रिपोर्ट को टॉप किया है केरला ने और जम्मू एंड कश्मीर जिसे पहली बार असेस किया गया है उसे भी यूटीज़ में हाइएस्ट स्कोर मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस की गई अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम के कार्यकाल का समय कितना है द आंसर इज सी फोर ईयर्स इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की एक शॉर्ट टर्म सर्विस यूथ रिक्रूटमेंट स्कीम है जिसका नाम है अग्निपथ इस स्कीम के थ्रू जो युवाओं को चुना जाएगा उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा और वो अपने देश के लिए काम कर सकेंगे इन अ वैरायटी ऑफ टेरेन लाइक डेजर्ट्स माउंटेन्स लैंड्स सी एंड एयर इस स्कीम द्वारा हमारे देश को कई सोल्जर्स मिलेंगे फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी कंट्री सऊदी अरेबिया को ओवरटेक करके इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल बना है आफ्टर इराक द आंसर इज़ डी रशिया रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया काफ़ी डिस्काउंट पे अपना क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है तो इंडिया ने भी अपने ऑयल इंपोर्ट को 16% परसेंट बढ़ा लिया है तो इसलिए रशिया इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है फर्स्ट वन इज़ इराक सेकंड इज़ रशिया और थर्ड रैंक होगी सऊदी अरेबिया की पूरे वर्ल्ड में आफ्टर यूएस एंड चाइना इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल है और इंडिया का लगभग 85 फाइव परसेंट ऑइल इम्पोर्टेड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड रॉट ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर इज बी सेवनटीन्थ जून लेट्स अंडरस्टैंड दीज टर्म्स फर्स्ट डेजर्ट कोई रेत का रेगिस्तान नहीं होता है डेजर्ट एक ऐसा रीजन होता है जिसमें साल भर में 25 सेंटीमीटर या 10 इंच से भी कम बारिश होती है और डेजर्टिफिकेशन एक डिग्रेडेशन प्रोसेस है जिसमें फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है बाई लूजिंग इट्स फ्लोरा एंड फोना और ये होता है बिकॉज ऑफ ड्रॉट सूखा पड़ना डिफॉरेस्टेशन पेड़ का काटना क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड टेम्परेचर का बढ़ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक फॉरेस्ट कटिंग और इन प्रॉपर एग्रीकल्चर डेजर्टिफिकेशन एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स का एक्सपेंशन नहीं होता है सदर्न हेमस्फियर का एंटार्टिका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है ये एक प्रकार का आइस डेजर्ट है वहीं लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट विच इज इन नर्दर्न अफ्रीका ड्रॉट और सूखा पड़ना एक प्रोलॉन्ग शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई होता है चाहे वो एटमोसफेयर में हो सरफेस वाटर लाइक लेक्स स्पॉन्स रिवर्स हो या फिर ग्राउंड वाटर लाइक वेल बोरिंग एससेट्रा हो इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता लाई जा सके वो लोग देखें कि किस प्रकार के इंटरनेशनल एफर्ट्स किए जा रहे हैं डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करना इज नॉट डिफिकल्ट इट इज पॉसिबल थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑपरेशन एट ऑल लेवल्स इस साल की थीम है राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर इस इवेंट की ग्लोबल ऑब्जर्वेंस होगी मैड्रिड स्पेन में एज अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से इक्कीस तारीख को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर इज बी फोर्टीन जून इस डे को पहली बार 2005 में ऑर्गेनाइज किया गया था इट इज अ इनिशियटिव डब्ल्यू एच ओ दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड सोसाइटीज एंड इज टू रेज अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ सेफ ब्लड ब्लड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो टू थैंक ब्लड डोनर्स किस प्रकार वो लोगों को एक लाइफ सेविंग गिफ्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड अपनी स्वेच्छा से डब्लू एच ओ के इलेवन ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स हैं एंड दे आर ब्लड डोनर डे हेल्थ डे चगाज डिजीज़ डे ट्यूबर क्लॉसिस डे इम्यूनाइजेशन वीक पेशेंट सेफ्टी डे मलेरिया डे नो टोबैको डे हेपेटाइटिस डे वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक एंड वर्ल्ड एड्स डे इस साल इस डे की थीम है ब्लड डोनेशन इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव सॉलिडरिटी मीन्स किसी मुश्किल समय में सब लोगों का मिल करके उसका समाधान करना इस साल इस ग्लोबल इवेंट को होस्ट करेगा मैक्सिको इस दिन को 14 जून को इसलिए मनाया जाता है बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था काल लेंस टीनर का जिन्होंने ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी की थी जिसके लिए उन्हें आगे चल कर के नोबेल प्राइज़ भी मिला था मेनली आठ प्रकार के ब्लड टाइप्स होते हैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव यूनिवर्सल ब्लड डोनर है बिकॉज इस ब्लड को किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को दिया जा सकता है वहीं ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपियंट ब्लड ग्रुप है बिकॉज ए बी पॉजिटिव पर्सन किसी भी प्रकार के ब्लड टाइप को एक्सेप्ट कर लेता है तीन प्रकार के ब्लड टाइप सबसे रेयर होते हैं फर्स्ट इज ए बी नेगेटिव जो कि इन आठ ग्रुप्स में से रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है आर एच नल और गोल्डन ब्लड जिनमें होता है उन लोगों में आर एच एंटीजन नहीं होता है एच एच ब्लड टाइप को रेयर ए बी ओ ग्रुप और बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर इज डी जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेंक्शन हॉलीडे है जिसे पहली बार 2002 में लॉन्च किया गया था और इसका पर्पज़ भी वही है टू रेज अवेयरनेस टू रेज एक्टिविज्म एंड टू स्टॉप चाइल्ड लेबर आई एल ओ यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसका काम है टू रेगुलेट द वर्ल्ड ऑफ वर्क इस साल इस डे की थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर एंड ऑन दिस डे आई अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पार्टनर्स के साथ लोगों को एनकरेज करेगी टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड स्कीम्स ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके जिसके थ्रू चाइल्ड लेबर को रोका जा सके चाइल्ड लेबर यानी कि बच्चों से काम करवाना या उनको काम पर रखना एक प्रकार का अपराध है ये बच्चों से उनकी शिक्षा का हक और उनका बचपन छीन लेता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में कुछ डेढ़ सौ मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर हैं और उनमें सेवनटी टू मिलियन तो कुछ हजार टाइप का वर्क भी करते हैं लाइक स्लेवरी इलिसिट एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग प्रोस्टिट्यूशन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लाइक टेररिज्म एंड ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस तारीख को बिम्स्टेक का सेक्रेटेट अपनी ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी मनाने जा रहा है द आंसर इज डी सिक्स जून बिमस्टेक स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एंड इकॉनमिक कोऑप्रेसन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द सेवन साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल मेंबर स्टेट्स आर बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार नेपाल श्रीलंका एंड थाईलैंड बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरेट है ढाका बांग्लादेश इसके प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लेखपाल फ्रॉम भूटान इसकी लीडरशिप मेंबर कंट्रीज नेम्स की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोटेट करती रहती है इस साल इसको चेयर करेगा थाईलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या है द आंसर इज डी थर्टी सेवेंथ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट है और एक वर्ल्ड वाइड रेफरेंस पॉइंट है फॉर मेजरिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्रीज इसे पहली बार 1989 में पब्लिश किया गया था एंड इज कम्पाइल्ड बाय आईएमडी दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये इंडेक्स सिक्सटी कंट्रीज की प्रोस्पैरिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ़ फोर फैक्टर्स एंड थ्री हंड्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्राइटेरियाज द फोर फैक्टर्स आर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस गवर्नमेंट एफिशियंसी बिजनेस एफिशियंसी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इस इंडेक्स में इंडिया ने शार्पेस्ट ग्रोथ शो करी है लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी फोर्टी और इस साल इंडिया की रैंक है थर्टी इस इंडेक्स को टॉप किया है डेनमार्क ने सेकेंड रैंक इज ऑप्टेन बाय स्विट्जरलैंड एंड थर्ड वन गोज टू सिंगापुर नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसे सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सी ओ ए आई के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है द आंसर इज सी प्रमोद मित्तल सी ओ ए आई एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन और एडवोकेसी ग्रुप है जिसका फोकस है टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री पे इसे 1995 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ़ टेली कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के इंडिया मोबाइल कांग्रेस को ऑर्गेनाइज़ किया था प्रमोद मित्तल इससे पहले सी ओ ए आई के वाइस चेयरपर्सन थे और वो रिलायंस जियो इन्फोकॉम के प्रेजिडेंट भी हैं ही विल रिप्लेस अजय पुरी सी ओ ए आई के मेम्बर्स हैं रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया लेट्स इज द लास्ट क्वेश्चन इनमें से किसने भारत की पहली होम ग्रोन कोविड नाइन्टीन वैक्सीन अनोकोवैक्स को लॉन्च किया है विच इज फॉर एनिमल्स द आंसर इज सी नरेंद्र सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं इस वैक्सीन को डेवलप किया है हरियाणा बेस्ड आई सी ए आर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ने एकवाइंस मीन्स रिलेटेड टू हॉर्सेज जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो वैक्सीन होता है वो एक प्रकार से इनएक्टिवेटेड वायरस ही होता है तो अनोकोवैक्स भी एक इनएक्टिवेटेड एस ए आर एस कोवी टू डेल्टा एंटीजन है जिसमें एलहाइड्रोजन को भी यूज़ किया गया है एज एन एडजुवेंट ये वैक्सीन एनिमल्स को डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट से प्रोटेक्ट करेगी इट इज़ सेफ़ फॉर डॉग्स लायंस लेपर्ड्स माइस एंड रैबिट्स सो स्टूडेंट्स दैट इज द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग की प्लानिंग की दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रैप में तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू